नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज संथाल परगना में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। दुमका के कोर्ट भवन में लगी आग, चुनाव संबंधी पुराने दस्तावेज खाक। दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी के पुराने कार्यालय से कोर्ट भवन में रविवार की शाम शरारती तत्वों ने आग लगा दी। आग जब फैल गई और वह धुआं वीर कुंवर सिंह चौक तक पहुंच गया, तब आसपास के लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मी दमकल के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम शुरू कर दिया, लेकिन कोर्ट रूम के दरवाजे के बंद होने के कारण आग बुझाने में कठिनाई आ रही थी। इसके बाद दरवाजे के तालों और आधे जले गए दरवाजों को तोड़कर दो दमकल अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास तेज कर दिया। बाइक चोर गिरोह का खुलासा, गिरिडीह व दुमका से चुराए गए 9 मोटरसाइकिल बरामद, गोड्डा का मास्टरमाइंड फरार। झारखंड की उपराजधानी दुमका में लगातार मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का नगर थाना पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने चोरी के 7 बाइक व 2 स्कूटी समेत कुल 9 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। हालांकि पुलिस के हत्थे एक ही अपराधी अनिल मंडल ही चढ़ पाया है, जो कि रामगढ़ के प्रखंड के डांडो का रहने वाला है। शेष आरोपी फरार हो जा रहे हैं। दुमका में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। झारखंड में दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में दुमका रामपुरहाट रेलवे खंड पर रविवार को ट्रेन के चपेट में आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सिमतुली गांव के समीप दुमका रामपुरहाट रेल खंड पर ट्रेन की चपेट में आने से 18 वर्षीय बिहारी सोरेन की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बालीजोर गाँव के निवासी के रूप में हुई है। गोड्डा से राजमहल परियोजना के 8 अभियंता का स्थानांतरण। जमीन अधिग्रहण एवं उत्पादन की समस्या से जूझ रही राजमहल परियोजना में उत्खनन विभाग के सभी अनुभवी अभियंताओं के स्थानांतरण के आदेश ने एक बार फिर से परियोजना की मुश्किलें बढ़ा दी है। ईसीएल मुख्यालय ने गत 17 दिसंबर को इस संबंध में अपने पत्रांक 2576 के तहत परियोजना के चीफ मैनेजर एवं सीनियर मैनेजर रैंक के कुल 8 अभियंताओं को दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। गोड्डा में आग लगने से 5 घर जलकर खाक। झारखंड में गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र में आग लगने से 5 घर जलकर नष्ट हो गया। पुलिस सूत्रों ने रविवार को यहां बताया कि खिरौंदी गांव शनिवार देर रात एक ग्रामीण को आग की चपेट दिखाई पड़ी, तो उसने घर वाले को जगाया। फूस का घर होने के कारण आग की चपेट में 5 घर आ गया। इस आगलगी में लाखों रुपये के मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। गोड्डा में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला दर्ज। जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चोरी, हत्या, दुष्कर्म की खबरें सामने आती रही है। ताजा मामला मेहरमा प्रखंड का है, जहां एक नाबालिग लड़की का अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी का अपहरण का मामला मेहरमा थाना में दर्ज कराया। आवेदन में नाबालिग युवती के पिता ने बिहार के कटिहार जिला के रहने वाले मानवेल चोड़े पर अपहरण का आरोप लगाया है। जमुई से ऑटो से भारी मात्रा में शराब बरामद, 3 महिला और 1 पुरुष तस्कर गिरफ्तार। खबर देवघर से है। चंद्र मंडुही पुलिस ने रविवार की अगले सुबह थाना क्षेत्र अंतर्गत चकाई देवघर मुख्य मार्ग पर गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑटो से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद किया है। पुलिस ने इसके साथ ही शराब तस्करी में शामिल 3 महिला और 1 पुरुष को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के लिए किए गए महिला के साथ एक छोटा बच्चा भी शामिल बताया जाता है। राजमहल विधायक की मां का जामताड़ा में निधन। राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा के माता का निधन इलाज के लिए रांची ले जाने के क्रम में रास्ते में जामताड़ा के समीप हो गई। विधायक की माता के निधन से भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इस संबंध में नगर परिषद उपाध्यक्ष और भाजपा नेता रामानंद शाह ने बताया कि विधायक की माता शैल देवी की अचानक रविवार को तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अधिकार के लिए ग्राम प्रधान करेगा संघर्ष। 8 माह से लंबित सम्मान राशि भुगतान, 2 वर्षों से लंबित मालगुजारी वसूली की ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू करने तथा प्रधानी मौजा में संपन्न होने वाली ग्राम सभा में ग्राम प्रधान की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कराने को लेकर ग्राम प्रधान संघ प्रखंड से जिला मुख्यालय तक आवाज बुलंद करेगा। उक्त बातें जिला अध्यक्ष अजित कुमार दुबे तथा महामंत्री शिवलाल मुर्मू ने संगठन पदाधिकारियों की बैठक में गांधी मैदान में कही। मौके पर शिवलाल मुर्मू ने कहा कि राज्य की मुखिया ग्राम प्रधान को प्रत्येक माह 1 से 5 तारीख के बीच सम्मान राशि भुगतान करने का निर्देश उपायुक्त को दे।
34वां कोल महासम्मेलन की तैयारी में जुटे समिति दहेज छोड़ो, दारू छोड़ो, जुआ छोड़ो, गुलामी तोड़ो के उद्देश्य के लेकर 15 फरवरी को स्थानीय गांधी मैदान में भारत प्राचीन आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति के तत्वाधान में 34वां कोल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारी को लेकर प्रचार प्रसार अभियान शुरू कर दी गई है। कल्याण समिति के केंद्रीय अध्यक्ष उमानाथ कोल तथा केंद्रीय महासचिव अनिल कोल के नेतृत्व में जिला कमेटी के पदाधिकारी विभिन्न गांव के भ्रमण कर लोगों की भारत प्राचीन आदिवासी कोरी जाति कल्याण समिति के उद्देश्य के बारे में जानकारी भी दी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।